मायसेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, मैं आपका भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो हमारा यूट्यूब चैनल है जो हमने अपने कॉलेज के नाम से बनाया है, उसी के माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। और अभी हमने जो विषय लिया है वो सामाजिक विज्ञान लिया है। अभी हमारी जो बात चल रही है वो लेसन प्लान की चल रही है, पाठ योजना की चल रही है। तो पाठ योजना के क्रम में हमने सामाजिक विज्ञान लिया है, जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको पूर्व में ही ये बता देना चाहती हूँ कि जो सामाजिक विज्ञान की आपकी जो पाठ योजना है, आप देखेंगे ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सिविक्स और सामाजिक अध्ययन, ये सब आपका इसी पर बेस्ड है। मतलब इसका जो प्रारूप रहेगा वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसलिए आप परेशान नहीं हो। देखो, सामाजिक अध्ययन में सभी आ जाता है, भूगोल भी आ जाता है, अर्थशास्त्र भी आ जाता है, इतिहास भी आ जाता है और सिविक्स भी आ जाता है, जिसे राजनीति शास्त्र कहते हैं या नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो आज की जो हमारी पाठ योजना है सोशल साइंस पर बेस्ड, वो चार विषयों को कवर लेकर चलती है। सेम फॉर्मेट रहेगा, ऐसा का ऐसा फॉर्मेट रहेगा। अगर प्रश्न बनाने से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम हर संभव आपको, जो भी हमारी सहायता होगी हम हर संभव आप सहायता करेंगे। तो मैं आपको ये जो पाठ योजना है सामाजिक अध्ययन विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की, विस्तार से समझाऊं। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लें एक और उसे डायरी में नोट डाउन कर लें। चलिए अपन चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और देखते हैं किस प्रकार सोशल साइंस में पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम दोनों विषय लेकर चलेंगे साथ में, एक विषय आपका लेकर चलेंगे हम कि पाठ योजना को कक्षा कक्ष में कैसे वितरित करते हैं, दूसरा विषय हम लेकर चलेंगे कि उसको डायरी में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं डायरी में उसे कैसे लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले डायरी में आपको क्या करनी है, शामपट पूर्तियां आपको डायरी में करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिनांक लिखा हुआ है, दिनांक के बाद विषय सामाजिक विज्ञान, प्रकरण लिखा हुआ है पंचायत समिति, फिर देखिए यहाँ पर कक्षा लिखा हुआ है कक्षा 7 और यहाँ पर कालांश 2nd। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब देखिए, ये हमारा प्रारूप देखिए आप पाठ योजना का, क्या लिखा हुआ है, क्रम संख्या, उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। आ रहा है समझ में, आप देखें। आप हम क्रम संख्या डाली, हमने कितने उद्देश्य का चयन किया है, क्यों किया है। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, हमने इस उद्देश्य के लिए विशिष्टीकरण क्या रखा है, दो विशिष्टीकरण है हमारे पास, दो एक्शन वर्ब है इसके लिए, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। तो प्रत्याभिज्ञान जो है, जब भी हम किसी भी एक्शन वर्ब को साथ में लेते हैं, विशिष्टीकरण को लिखते हैं, उसका प्रयोग अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आवश्यक रूप से होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी पंचायत समिति के गठन कार्य योग्यता। देखिए कितनी हमें चार शिक्षण बिंदु ले लें, गठन, कार्य योग्यता और व आय, चार शिक्षण बिंदु लेने हमने, चारों इसमें अंकित कर दिए, लिख दिए इसमें, आय के साधनों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। प्रत्याभिज्ञान करने का मतलब है समझ सकेंगे, पहचान सकेंगे, अभिज्ञान उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य की ही, और ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम बात कर रहे हैं दूसरी विशिष्टीकरण वाले वर्ब की। देखिए, प्रत्यास्मरण, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमें याद हुआ है, जिन भी तथ्यों का, नियम का, परिभाषा का, सन का, सूचना का, इक्वेशन का, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे हम रिकॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्रत्यास्मरण दोबारा पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते, हम उसे याद रख पाते हैं या नहीं रख पाते, देखते ही पहचानते हैं या नहीं पहचानते। देखिए कैसे बोलना है, उसमें
विद्यार्थी पंचायत समिति के उपरोक्त मतलब ऊपर क्या क्या गठन कार्य योग्यता और आय, समिति के उपरोक्त तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक, फिर देखेंगे आप, ये हमने बात की थी ज्ञानात्मक उद्देश्य की, कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे उद्देश्य की। दूसरा उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य में देखें कितनी एक्शन वर्ब होती है, 4 एक्शन वर्ब होती है। कौन कौन सी? बोध होती है, बोध है, व्याख्या करना है, अंतर है और तुलना है। 4 एक्शन वर्ब है जिसको हमने काम में लिया है। सबसे पहले हम चलते हैं बोध के बारे में। बोध का मतलब होता है समझ। इसको कैसे लिखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में? इन उद्देश्यों के माध्यम से आप अपने कक्षा कक्ष में क्या आप बच्चों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं वो देखिए। आप देखें विद्यार्थी पंचायत समिति से संबंधित पंचायत के उपरोक्त तथ्यों का, उपरोक्त जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या? मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, गठन है, कार्य है, योग्यता है, आय है, आदि का, आदि से संबंधित तथ्यों का क्या कर सकेंगे? बोध कर सकेंगे। बोध का मतलब होता है समझ जाना। और कैसे समझ? आसानी से, सरलता से समझ में आना, आउटलाइन समझ में आना, प्रारूप समझ में आना, मुख्य मुख्य चीज़ें समझ में आना, तो इसको बोलते हैं बोध। मतलब बोध हो गया, समझ में आ गया। देखिए अब दूसरा जो हमारा एक्शन वर्ब है वो है व्याख्या करना। व्याख्या करने में देखिए कैसे लिखेंगे, विद्यार्थी पंचायत समिति से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर देखिए अंतर करना, तो विद्यार्थी पंचायत समिति व ग्राम पंचायत में क्या क्या, में गठन में, योग्यता में, कार्य में, शक्ति में, कार्यकाल में, वेतन भत्तों में, आदि में क्या कर सकेंगे? अंतर कर सकेंगे। ऐसी तुलना को भी लिखना है आपको कि विद्यार्थी पंचायत समिति व ग्राम पंचायत में, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, मैंने ग्राम पंचायत से, आप जिला परिषद भी ले सकते हैं कि पंचायत समिति और जिला परिषद में अंतर कर सकते हैं उनके कार्यकाल में, उनके अब देखिए विद्यार्थी पंचायत समिति व ग्राम पंचायत में मतलब गठन में, कार्य में, शक्तियों में, अधिकार में, वेतन में, भत्तों में तुलनात्मक अंतर कर सकेंगे। तो अभी हमने बात की दो उद्देश्यों की, ज्ञानात्मक उद्देश्य और अवबोधात्मक उद्देश्य। अब वापस आप व्हाइट बोर्ड पर चलें और देखेंगे हम सोशल साइंस के और जो उद्देश्य कौन कौन से हैं जिनको लिखा जाए। अवबोधात्मक उद्देश्य, उद्देश्यों की श्रेणी में हम आगे चल रहे हैं, बात कर रहे हैं तीसरे उद्देश्य की। देखिए तीसरा उद्देश्य है, मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगी कि आप व्हाइट बोर्ड का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। अभिवृत्ति आत्मक उद्देश्य क्या होती है? अभिवृत्ति क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य है इससे? तो अभिवृत्ति मतलब होता है एटीट्यूड, दृष्टिकोण, धारणा किसी विषय के प्रति, शिक्षक के प्रति, घटना के प्रति, विचारों के प्रति, विषय वस्तु के प्रति। तो यहाँ हम देखेंगे, हम बालक से चाहते हैं इस उद्देश्य के संदर्भ में कि बालक जो भी कुछ सामाजिक विषय के अध्ययन में हम पढ़ा रहे हैं, जिससे संबंधित हमने पाठ योजना बनाई है, उसके प्रति उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, सकारात्मक धारणा विकसित हो। तो मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि शिक्षक की कोई वर्ग, जाति और धर्म नहीं होता। अगर आपके सामने, क्योंकि आप भी मेरे ही साथी हैं, मेरे सामने या आपके सामने कोई भी आता है कक्षा कक्ष में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप समान भाव से पढ़ाएंगे। ऐसे ही विषय वस्तु, चाहे वो इस्लाम धर्म से संबंधित हो, चाहे हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे सिख धर्म से संबंधित हो, हम उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ही पढ़ाएंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है भारतवर्ष का वो बिगड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि बालक में उस विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। अब देखिए व्हाइट बोर्ड की ओर देखेंगे, व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रही हूं मैं आपको। देखिए तीसरा उद्देश्य है अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य। अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य में विशिष्टीकरण शब्द के लिए हमने क्या लिया है? अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक या
धारणा या दृष्टिकोण। अब देखेंगे आप, यहाँ क्या मैं बताना चाहती हूँ, क्या अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या परिवर्तन आप चाहते हैं, क्या ऐसा व्यवहार में क्या परिवर्तन हो उसके अपेक्षित जो हमने चाहा है। कैसे लिखेंगे उसे डायरी में? विद्यार्थियों में पंचायत समिति के गठन व कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए आपको साफ से दिख जाएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण या धारणा विकसित हो सकेगी। दोनों ही शब्दों में से आप किसी भी अच्छे शब्द का चयन कर सकते हैं, दोनों ही इस उद्देश्य की एक्शन वर्ब में गिने जाते हैं, दोनों ही शब्द। ठीक है, अब हम बात करें अगले उद्देश्य की। अगला उद्देश्य है हमारा अभिरुचियात्मक उद्देश्य। अभिरुचियात्मक उद्देश्य में आप देखेंगे विशिष्टीकरण के खाने में हमने लिखा है रुचि। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, दो ही कार्य होते हैं, दो ही जीवन में शब्द हैं जिनसे व्यक्ति कुछ आगे बन पाता है, कुछ कर पाता है। एक है रुचि और दूसरा है आवश्यकता। आपने सुना भी है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप देखेंगे यदि मेरी रुचि है तो मैं उस विषय को कर लूँगी, सीख जाऊँगी, आगे बढ़ जाऊँगी, या जो भी मेरा विषय है उस पर मेरी रुचि है तो मैं कर लूँगी। एक आज यदि मुझे आवश्यकता है तो भी मैं उस काम को कर दूंगी। तो यहाँ देखेंगे हम चाहते हैं कि जो भी पाठ पढ़ रहा है बच्चा, अभी अभी मैंने आपको बताया, उसमें बच्चे में उससे संबंधित पाठ को पढ़ने की, कंटेंट को पढ़ने की, विषय वस्तु को पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो। देखिए कैसे लिखते हैं इसे, विद्यार्थियों में पंचायत समिति की कार्य प्रणाली को समझने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब देखें अगले उद्देश्य पर आते हैं, ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य। मतलब ज्ञान का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, तो हमने शॉर्ट में लिखा है ज्ञान, ये मात्रा लगा के ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य। एक्शन वर्ब में क्या आएगा, विशिष्टीकरण में क्या आएगा, दैनिक जीवन में उपयोग। जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका जब तक आप दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करेंगे तब तक उस पढ़े हुए का कोई महत्व नहीं है। तो आप देखेंगे आप क्या चाहते हैं आप बालक से इस पाठ योजना के अंतर्गत, इस उद्देश्य को कैसे चाहते हैं। देखिए विद्यार्थी पंचायत समिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, और जो जानकारी प्राप्त करेगा, जो ज्ञान प्राप्त करेगा, उस प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। पंचायत समिति क्या काम करवाती है, इसका गठन कैसे होता है, कौन कौन से जो क्षेत्र हैं इसके अधिकार में आते हैं, कौन कौन से विकास कार्य ये करवा सकती है, इन सब बातों की जानकारी आपको होगी। फिर देखेंगे हम अगले उद्देश्य पर आते हैं और अंतिम उद्देश्य पर आते हैं, वो है कौशलात्मक उद्देश्य। देखो कौशल का मतलब वैसे ही समझ में आ रहा है, कोई स्किल है हमारे पास जो जिसे हम डेवलप करना चाहते हैं। देखिए कौशलात्मक उद्देश्य, चार्ट या मॉडल या दोनों ही, चार्ट और मॉडल बनाने का कौशल, यह इसका एक्शन वर्ब है। लिखेंगे कैसे इसे डायरी में, क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बच्चे से चाहते हैं। विद्यार्थी पंचायत समिति की कार्यप्रणाली, संगठन, योग्यता आदि से संबंधित चार्ट बनाएंगे और गठन प्रक्रिया का मॉडल बना सकेंगे, उनमें ये जो कौशल है ये विकसित हो जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी जब बच्चा चार्ट और मॉडल बनाने में दक्ष हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। ये बात की थी हमने उद्देश्यों की, और सोशल साइंस में हमने 6 उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे, देखिए ये यहाँ पर ये कार्यक्रम जो लाइन वाला था, क्रम संख्या, उद्देश्य, विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये यहाँ आकर समाप्त हुआ। अब आगे आपको डायरी में लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होती है एक अध्यापक के पास, छात्र अध्यापक के पास, डस्टर, चोक, पॉइंटर, स्केल आदि आदि जो भी रहता है। अब देखेंगे हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं, अच्छे शब्दों में, व्यवस्थित शब्दों में हम उसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा है कक्षा उपयोगी सामान्य उपकरण, चार्ट और मॉडल। आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इससे संबंधित चार्ट और इससे संबंधित मॉडल, जैसे कार्यप्रणाली से संबंधित मॉडल और गठन से संबंधित चार्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में चार्ट का इस्तेमाल और यहाँ पर आपने मॉडल बनाया है। फिर आगे देखेंगे कौन सी शिक्षण विधि से पाठ का विकास आप कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पाठ योजना में जानकारी देनी है। देखिए शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि के बाद
प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि के बाद प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन किसका? मॉडल का, जो आप बना के ले जा रहे हैं, चार्ट जो बना के ले रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि विकासात्मक प्रश्न है वो। व्याख्यान विधि जो आपका छात्र अध्यापिका कथन, पौने दो मिनट का जो आपका कथन होगा वो। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में देखेंगे विद्यार्थी पंचायत समिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आपकी जो पाठ योजना है। अब हम प्रस्तावना प्रश्नों पर आएंगे। प्रस्तावना प्रश्नों की बात करेंगे कि जो हमारा प्रकरण है, ये देखिए ये प्रकरण है हमारा पंचायत समिति, ये जो हमारा प्रकरण है इस पर पहुंचने के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावना को किस प्रकार निकाला जा रहा है। प्रस्तावना में जो पांच प्रश्न होते हैं वो कौन से शिक्षण सूत्र पर बेस्ड होते हैं। तो शिक्षण सूत्र की यदि हम बात करें, पूर्व ज्ञान की यदि हम बात करें, तो हम इनको ही अपने साथ में रखकर प्रश्न बनाते हैं। तो अब मैं आगे आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाऊंगी कि प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जा, प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है। आप व्हाइट बोर्ड देखेंगे, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्न। अब हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना प्रश्नों के बारे में कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, कितने बनाए जाते हैं संख्या में, उनको कक्षा कक्ष में कैसे वितरित किया जाता है, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उद्देश्य कथन हमें कब लिखना चाहिए। तो मैं आपको ले चलती हूँ व्हाइट बोर्ड की ओर। देखिए जब आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे इस तरह की एक टेबल तैयार कर लेंगे, क्रम संख्या, फिर एक बड़ा सा यहाँ पर ऐसे खाना खींचेंगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, क्रियाएँ कोई भी, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, मेल फीमेल कुछ हो सकता है, तो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और एक खाना छात्र क्रिया के लिए, जो भी ये क्रियाएं करेंगे उनके लिए। देखिए प्रश्न, देखिए पहले ये देखिए, प्रस्तावना प्रश्न डायरी में जरूर लिखे जाते हैं, लेकिन आप जब कक्षा कक्ष में प्रस्तावना प्रश्नों को वितरित करेंगे तो ये प्रस्तावना प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ये एक अनिवार्य शर्त है इस पाठ योजना की कि प्रस्तावना प्रश्न आपको याद होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, व्याकरण से संबंधित गलती नहीं होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, सुसंगठित होने चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान आपको प्रस्तावना प्रश्न पर रखना है। और आपका प्रस्तावना प्रश्न का हमेशा, जब भी आप पाठ योजना बनाएं, जब भी आप नवीन ज्ञान देने की दिशा में अग्रसर हो, तभी आप देखेंगे कि पहला प्रश्न प्रस्तावना का हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होगा। पूर्व ज्ञान पर, यदि आप सौर ऊर्जा पढ़ाने जा रहे हैं तो आप विद्यार्थियों से पहला प्रश्न कर सकते हैं, सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, तो आपको बता देगा पूर्व। ऐसे आपको उसकी प्रीवियस नॉलेज, सामान्य जानकारी होती है बच्चों को, तो ये सामान्य जानकारी है, हमने लिखा भी है कि बालक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। तो आप देखेंगे पहला जो मेरा प्रश्न है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होकर प्रस्तावना प्रश्नों में फ्रेम किया गया। फिर हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। देखिए प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न, आप कौन से देश में निवास करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का भी मैंने प्रयोग किया है। उत्तर हमें छात्र से, देखिए कैसे वितरित होगा, आप गए, आपने पूछा आप कौन से देश में निवास करते हैं, तो आपने जब प्रश्न को कक्षा में वितरित किया, कुछ सेकंड का आप समय देंगे जिससे बालक सोच ले, उसके बाद आप एक दो कदम आगे बढ़ते हुए आप जाएंगे और आप बताइए, आप उंगली नहीं पूरे हाथ का इशारा करना है, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, यदि आपको नाम याद है तो सुनील आप बताइए, आप बताइए, जैसे ही सही उत्तर प्राप्त होता है आप उसे बैठा देंगे। तो उत्तर हमें मिला भारत में। अब देखिए तारतम्यता और क्रमबद्धता, इन दो शब्दों की बात कर रहे हैं हम, जो प्रश्न कौशल में हमने सीखे हैं। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ था उसी उत्तर से मैंने अगला प्रश्न फ्रेम किया है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए पूछने का तरीका वही रहेगा, उत्तर प्राप्त करने का तरीका वही रहेगा, सामूहिक उत्तर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, एक एक व्यक्ति, एक एक जो आपकी क्लास में बैठा हुआ बालक है, विद्यार्थी है, उससे ही आपको उत्तर प्राप्त करने हैं। देखिए हमें उत्तर प्राप्त होता है 28 राज्य। फिर देखिए आप 28 राज्य, यहाँ देखिए
28 राज्यों में से आप कौन से राज्य में रहते हैं? आसानी से उत्तर मिल जाएगा, हम राजस्थान राज्य में रहते हैं। फिर देखिए राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, तो उन्होंने बता दिया 33 ज़िले। तो इन 33 ज़िलों में जो पंचायती स्तर होता है या राज्य स्तर जो पंचायती स्तर जो होता है, वहाँ पर प्रशासनिक कार्य कैसे होते हैं, कार्यप्रणाली कैसी होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इससे संबंधित मैंने एक प्रश्न फ्रेम किया है। देखिए इन 33 ज़िलों में पंचायती राज के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आंशिक उत्तर भी प्राप्त हो सकता है, ये प्रश्न समस्यात्मक भी हो सकता है। जैसे ही इस प्रश्न का आपको आंशिक उत्तर मिलता है या समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है ये आपके लिए, आप तुरंत अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ेंगे, हाथ में अपना चौक या पॉइंटर जो भी है वो उठाएंगे और उद्देश्य कथन बोलते बोलते, देखिए उद्देश्य कथन बोलते बोलते क्या है उद्देश्य कथन, आज हम देखिए आपने जैसे प्रश्न खत्म हुए, आज हम पंचायत समिति के बारे में अध्ययन करेंगे, ये कक्षा कक्ष में वितरित करते समय आपको ध्यान रखना है। आपको कक्षा जो शाम पट की पूर्तियां हैं, वो जो आप शाम पट की पूर्तियां करेंगे वो आपको प्रकरण को आगे डैश लगा के खाली छोड़ देना है। उद्देश्य कथन करते समय ही आपको व्हाइट बोर्ड पर प्रकरण को अंकित करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं कैसे कैसे प्रकार है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो प्रश्न है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित है और जो सबसे अंतिम प्रश्न है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर आधारित है। अब बात करते हैं हम इन तीनों प्रश्नों की। पहला वाला प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित है, अंतिम प्रश्न हमारे शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो आपको याद था उससे हम कहाँ जा रहे हैं, जो आप नहीं जानते उसके बारे में आप जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखें भारत में कुल कितने राज्य, ये जो प्रश्न है ये आप प्रश्न देखेंगे धीरे धीरे से हम क्या कर रहे हैं, सरल से कठिन की शिक्षण सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे देखेंगे आप अंश से किसकी ओर आ रहे हैं, पूर्णता की ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ रहे हैं और लास्ट में हम आते आते कहाँ आ जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर आ जाते हैं। तो शिक्षण सूत्र पर आधारित होकर भी पाठ योजना जो आपकी प्रस्तावना है पाठ योजना के अंतर्गत बनाई हुई, आप उन प्रश्नों को फ्रेम कर सकते हैं। प्रस्तावना का पाठ योजना में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, मतलब अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आपको याद होने चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब क्या है, एक के बाद एक आता जाए, देखिए आप इसके बाद ऐसे आता जाए उत्तर, ये इसका मतलब होता है क्रमबद्ध। इसके उत्तर से अगला क्वेश्चन फ्रेम हुआ, फिर उसके उत्तर से अगला क्वेश्चन फ्रेम हुआ, इट मीन्स क्रमबद्धता सिक्वेंस। फिर हम बात करेंगे तारतम्यता, आप विषय से भटके नहीं, आप जो भी कुछ पढ़ाने वाले हैं आपके प्रश्न उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। अगर आप विषय से भटकते हैं तो फिर उसकी तारतम्यता खत्म हो जानी। प्रश्नवाचक चिन्हों का ध्यान रखेंगे आप, प्रश्नवाचक शब्दों का ध्यान रखेंगे आप, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बनाएंगे जो आपको ऐसा लगे कि वो द्विवार्थक है या उसमें आंशिक उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न संक्षिप्त होंगे, सरल होंगे, शुद्ध होंगे, क्रमबद्धता होगी, तारतम्यता होगी, सुसंगठित होंगे, व्यवस्थित होंगे, संख्या में पर्याप्त होंगे, इन सब बातों का प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं पाठ के प्रस्तुतिकरण पे, तो मैं आपको पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए व्हाइट बोर्ड दिखाऊंगी कि पाठ का प्रस्तुतिकरण विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से कैसे किया जाएगा।